लादेन की मौत के बाद सनसनीखेज खुलासा। नौ साल से पाकिस्तान में छिपा था लादेन, हैट पहनकर चेहरा छिपाता था लादेन, तीन जोड़ी कपड़ों में कट रहे थे लादेन के सिम, और मौत से पहले बम खोज रहा था लादेन। लादेन की अनसुनी कहानी। जिस शख्स को दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी सरगना कहा जाता था, जिस शख्स की तलाश में अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी, वो लादेन पूरे 9 साल तक पाकिस्तान में छिपा बैठा था। अमेरिकी सील कमांडो के हाथों मारे जाने से पहले लादेन की जिंदगी इतनी बदल चुकी थी कि उसे पहचान पाना भी बेहद मुश्किल था। पाकिस्तान की जमीन पर आखिर कैसे कट रही थी लादेन की जिंदगी, मौत से पहले क्या थी लादेन की हकीकत, इस कहानी का हुआ है बेहद सनसनीखेज खुलासा, और पहली बार दुनिया के सामने आई है लादेन की अनसुनी कहानी। साल 2011 में 1 और 2 मई की दरमियानी रात को अमेरिका ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था, और उस रात अमेरिकी सील कमांडोज के हाथों पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन अपने ही ठिकाने पर मारा गया। अमेरिका की खुफिया कार्रवाई में लादेन की मौत ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। पाकिस्तान ने लादेन की मौत की पूरी छानबीन के लिए एबटाबाद जांच आयोग का गठन किया था, और अब उसी जांच आयोग की रिपोर्ट चैनल अल जजीरा की वेबसाइट पर लीक हो जाने से सनसनी फैली है। अल जजीरा की वेबसाइट पर डाली गई एबटाबाद जांच आयोग की रिपोर्ट में कई रहस्य से पर्दा उठा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लादेन 9 साल से पाकिस्तान में छिपा था, जबकि पाकिस्तान इस बात से लगातार इनकार करता रहा। इतना ही नहीं, एबटाबाद जांच आयोग ने पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, और इसी रिपोर्ट के खुलासे से दुनिया के सामने आई है लादेन की जिंदगी की सनसनीखेज कहानी। हम आपको लादेन की पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अल जजीरा की वेबसाइट पर रिपोर्ट के लीक हो जाने से पाकिस्तान इतना घबरा गया कि उसने वेबसाइट पर ही प्रतिबंध लगा दिया। एबटाबाद जांच आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लादेन 9 साल से पाकिस्तान में छिपा बैठा था, जिसमें 6 साल तो उसने अपने परिवार के साथ एबटाबाद की कोठी में बिताए। लादेन अपनी कोठी से बहुत कम ही बाहर निकलता था ताकि कोई उसे पहचान न ले, और जब भी वो बाहर निकलता तो चेहरा छिपाने के लिए एक हैट पहन लेता था। लादेन की कोई भी तस्वीर आपने जब भी देखी, लादेन हमेशा ऐसा ही नजर आया, लेकिन लादेन अपने घर में ही डरा डरा रहता था। एबटाबाद की हवेली के बाहर मैदान में भी जब टहलने के लिए निकलता था तो इस तरह की एक काउबॉय हैट पहनकर निकलता था। एबटाबाद कमीशन की लीक रिपोर्ट के पैरा नंबर 48 के मुताबिक लादेन को हमेशा लगता था कि कोठी की बाउंड्री पर लगे घने पेड़ों से कोई उस पर नजर रख सकता है। लादेन उन पेड़ों को खरीदने की सोच रहा था ताकि वो उन्हें कटवा सके। ऊंचाई से भी कोई लादेन को पहचान ना सके, इसके लिए वो काउबॉय हैट की मदद लेता था। लादेन ने खुद को एबटाबाद की एक कोठी में कैद कर लिया था। वो कोठी से बाहर कहीं नहीं जाता था। लादेन की हालत ऐसी हो गई थी कि कोठी में रहने वाली एक बच्ची उसे गरीब चाचा कहकर बुलाती थी। एबटाबाद में लादेन के इस ठिकाने पर
उसकी सुरक्षा का जिम्मा इसी मकान के एक हिस्से में रहने वाले दो पठान भाइयों इब्राहिम और अबरार पर था। दोनों की पत्नियों को लादिन की पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 62 में इब्राहिम की पत्नी मरियम के मुताबिक ये बताया गया है। मरियम के चार बच्चे थे। सबसे बड़ी 9 साल की बेटी का नाम रहमा था। रहमा ने अपने पिता इब्राहिम से लादेन के बारे में कहा कि ऊपर रहने वाले अंकल कभी बाजार क्यों नहीं जाते हैं। तब इब्राहिम ने अपनी बेटी के सवाल को टालते हुए कहा कि वो अंकल बहुत गरीब हैं। तब से रहमा लादेन को मिस्किन काका यानी गरीब चाचा कहा करते थे। रहमा एक बार लादेन का चेहरा देख चुकी थी। एक दिन इब्राहिम का परिवार अल जजीरा चैनल देख रहा था। चैनल पर जैसे ही लादेन की तस्वीर आई, रहमा मिस्कीन काका कहकर चिल्ला उठी। इब्राहिम परेशान हो गया और उसी दिन से घर पर टीवी बैन कर दिया गया। क्या कोई यकीन करेगा कि जिस लादेन के डर से पूरी दुनिया कांपती थी, उस लादेन के पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं थे। सिर्फ 6 जोड़ी कपड़ों से पूरे साल काम चलाता था लादेन। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक था ओसामा बिन लादेन। लादेन के नाम की दहशत जितनी बड़ी थी, उसके जीने का ढंग और दायरा उतना ही सिमटा हुआ था। लादेन इस तरह के पठानी सूट पहनता था। इसमें से भी 3 जोड़ी सलवार कमीज गर्मियों के लिए होती थी और 3 जोड़ी सर्दियों के लिए। इसके अलावा लादेन ने अपने लिए एक काले रंग का जैकेट और 2 स्वेटर भी पास में रखे हुए थे। कपड़ों के नाम पर इससे ज्यादा लादेन के पास कुछ भी नहीं था। जांच आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 3 में लादेन की 3 पत्नियों में से एक ने कहा कि लादेन को कपड़ों का शौक नहीं था। लादेन 9 साल से पाकिस्तान में था, लेकिन पाकिस्तान ने ये सच छिपाए रखा। इतना ही नहीं, एक बार तो सड़क पर तेज कार चलाने को लेकर पुलिस ने लादेन को सड़क पर रोका था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। जांच कमीशन के सामने यह खुलासा किया है लादेन की कोठी में रह चुकी महिला मरियम ने। इब्राहिम की बीवी मरियम ने कमीशन के सामने जो बताया है, उसके मुताबिक कराची में ही उसकी मुलाकात लादेन की बीवी अमल से हुई। पैरा नंबर 54 में दर्ज है कि कैसे लादेन उसकी बीवी अमल पेशावर होते हुए स्वात घाटी पहुंचे थे। इस दौरान लादेन ने दाढ़ी मूछ साफ कराई हुई थी। स्वात घाटी में लादेन और अमल करीब 6 से 8 महीने रुके। इसी दौरान एक बार एक पुलिस वाले ने ओवर स्पीडिंग के लिए उसी गाड़ी को रोका जिसमें लादेन सफर कर रहा था। हालांकि इब्राहिम ने मामले को रफा दफा कर दिया और जल्दी से लादेन को निकाल कर ले गया। स्वात घाटी के बाद लादेन पाकिस्तान के हरिपुर इलाके में करीब 2 साल तक रहा और उसके बाद एबटाबाद में। लादेन ने पाकिस्तान में 9 साल बिताए और इस दौरान पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसियां लादेन के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाई। एबटाबाद जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि लादेन आखिरी वक्त में बीमार रहता था, लेकिन डॉक्टर के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। इतना ही नहीं, उसने कोठी में रहने वाले बच्चे बच्चियों को भी बाहर जाने से मना कर दिया था। आयोग की जांच रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 66 में इब्राहिम की पत्नी मरियम ने बताया है कि 6 साल तक एबटाबाद के घर में रहने के बावजूद भी लादेन कभी घर से बाहर नहीं निकलता था और न ही कभी उससे मिलने को आता था। मरियम के मुताबिक लादेन को दिल और किडनी में कई बार दर्द उठता था, लेकिन वो कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। पैराग्राफ नंबर 48 में लिखा है कि जब कभी भी लादेन खुद को बीमार महसूस करता था, वो एक अरबी दवाई तबीब आई नवाबी से अपना इलाज करता था और जब आलस महसूस होता था तो चॉकलेट के साथ सेब खाया करता था। 6 सालों में एक कंपाउंड में रहने के बावजूद भी मरियम ने कभी भी लादेन का चेहरा नहीं देखा था। हालांकि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मरियम के बयानों पर भी शक जताया है। इब्राहिम और अबरार के बच्चों की तरह लादेन के पोते पोतियों को गेट से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लादेन बच्चों को सब्जी के बगीचे में काम देकर उनके बीच प्रतियोगिताएं कराता था। जो जीत जाता था उसे इनाम दिया जाता था। लादेन खुद अपने पोते पोतियों को धार्मिक शिक्षा देता था। 6 साल तक लादेन एबटाबाद के जिस ठिकाने में आराम से छिपा रहा, वो 3 मंजिला इमारत भी गैर कानूनी थी। फर्जी पहचान पत्र के आधार पर इस इमारत को खरीदा गया था। मकान की 3री मंजिल अवैध तरीके से बनाई गई थी।
मकान में रहने वाले लोगों ने कभी कोई टैक्स नहीं दिया था, लादेन ने कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया था, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं गया? जांच रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि या तो लादेन बहुत किस्मत वाला था या फिर स्थानीय प्रशासन अपने काम में पूरी तरह नाकाम रहा। रिपोर्ट में लादेन को ढूंढ पाने में नाकाम रहने के लिए कमीशन ने ISI को भी दोषी माना है। लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में एक हवेली नुमा घर में छुप कर रह रहा था, लेकिन इसके बाद भी दुनिया इस बात से अनजान थी। लादेन के राज का खुलासा तो तब हुआ जब अमेरिकी जासूसों को लादेन तक खबर पहुंचाने और ले जाने वाले उसके सबसे भरोसेमंद कोरियर यानी दूत के बारे में पता चला, और फिर शुरू हो गई उसके खात्मे की तैयारी। अगस्त 2010 में CIA को पता चला कि ओसामा बिन लादेन का वो खास कुरियर एटबाबाद के एक मकान में रहता है। एबटाबाद के उस मकान को देखकर CIA के एजेंट दंग रह गए। मकान काफी बड़ा और भव्य था, लेकिन उसमें न तो इंटरनेट था और न ही टेलीफोन कनेक्शन। मकान में रहने वाले लोग किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे और उनकी कमाई के जरिए के बारे में भी कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि उस घर में साफ सफाई के लिए भी कोई बाहर से नहीं जाता था। घर के कूड़े और कचरे को बाहर नहीं फेंका जाता था, उन्हें घर में ही जला दिया जाता था। यही नहीं, मकान में बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की भी काफी कम थी और तीसरी मंजिल पर जो छत थी उसकी दीवार भी 7 फुट ऊंची थी ताकि घर के अंदर कोई झांक न सके। कुल मिलाकर मकान और उसमें रहने वालों की गतिविधियां काफी संदिग्ध थी। जल्दी ही CIA के एजेंट समझ गए कि ये मकान किसी कुरियर यानी दूत का नहीं हो सकता और इस मकान में कोई खास आदमी रहता है। इस जानकारी के बाद अमेरिकी जासूसों ने दिन रात मकान पर नजर रखनी शुरू कर दी, तो पता चला उस मकान में लादेन के उस खास दूत और उसके भाई के अलावा भी एक परिवार रहता है। और जब उस परिवार के बारे में CIA के एजेंटों ने छानबीन की तो वो हैरान रह गए। वो इसलिए कि मकान में रहने वाले दूसरे परिवार के लोगों की संख्या और शक्ल ओसामा बिन लादेन के परिवार वालों से मिलती जुलती थी। अब CIA ने मकान पर अपनी नजर और भी पैनी कर दी। CIA के एजेंट लादेन के उस कुरियर यानी दूत की भी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे जो लादेन के लिए कुरियर लाने और ले जाने का काम करता था। आखिरकार CIA को पुख्ता जानकारी मिली कि लादेन एटबाबाद के इसी मकान में अपने परिवार और अपनी सबसे छोटी पत्नी के साथ रह रहा है। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, अमेरिकी अधिकारियों ने शुरू कर दी ऑपरेशन लादेन की तैयारी। लादेन के खात्मे का खतरनाक जाल रचा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने। पाकिस्तान में चले इस मिशन लादेन में अमेरिकी सेना के 2 विध्वंसक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन सील कमांडोज सवार थे। सबसे खास बात यह है कि इन सील कमांडोज को अमेरिकी सेना से नहीं बल्कि CIA के डायरेक्टर लियोन पनार्ट से निर्देश मिल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पर अमेरिकी सेना को सीधे ऑपरेट करने का अधिकार नहीं है। इसलिए लादेन को खत्म करने की अमेरिका ने इस बार इतनी पुख्ता तैयारी की कि उसका बच निकलना नामुमकिन हो गया। तो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स लादेन को टारगेट बनाने के लिए तैनात किए गए, तो वहीं 2 और उनकी मदद के लिए पूरे इलाके में मंडराते रहे। एक और 2 मई की उस दरमियानी रात करीब 1 बजे एबटाबाद में सन्नाटे को चीरते अमेरिकी सेना के 4 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स आसमान में मंडराने लगे। अमेरिकी सेना के विशेष कमांडो सील का मिशन लादेन शुरू हो चुका था। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा मिशन लादेन के ताजा हालात जानने के लिए कंट्रोल रूम में मौजूद थे।
उन्हें मिशन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी मुहैया कराई जा रही थी। अमेरिका से लेकर एबटाबाद तक अमेरिका की खुफिया एजेंसियां पल पल के हालात पर बारीक नजर रखे हुए थी। रात तकरीबन 1 बजे एबटाबाद के पूरे इलाके में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, छोटे धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा, जैसे कहीं कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन इस्तेमाल की गई हो। जिस 3 मंजिला इमारत में लादेन छिपा था उसके साथ कुछ महिलाएं और 3 से 4 आदमी भी मौके पर मौजूद थे। रात की गहरी खामोशी में हेलीकॉप्टर्स की कड़कड़ाहट ने निश्चित ही उसकी नींद उड़ा दी होगी, लेकिन इस वक्त तक उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। हर बार अमेरिकी फौज को चकमा देने वाले लादेन का आखिरी वक्त आ पहुंचा था और इस बार उसकी हिम्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अमेरिकी सेना के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एबटाबाद के आसमान पर उड़ते हुए सीधे उस इमारत के ऊपर जा पहुंचे जिसे लादेन ने अपना ठिकाना बना रखा था। तभी एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। धमाका इतना ताकतवर था कि आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। इस धमाके को पूरे एबटाबाद में सुना गया और इसी के साथ अमेरिकी सेना का 1 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा और जोरदार धमाके के साथ हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इस धमाके की आवाज और इससे उठने वाली आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के इलाके के लोग दहल गए। लेकिन हेलीकॉप्टर के गिरने के बावजूद अमेरिकी सेना के विशेष सील कमांडोज अपने मिशन से डिगे नहीं और उसे अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए। तो फिर ये सारा ऑपरेशन हुआ सारा, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर के ऊपर जो मकान के ऊपर था, बिल्कुल क्लोज था, तो उसको हिट किया गया, वो नीचे वो गिर गया, वहां पे गिरा हुआ है। तो वो बंदे जो अंदर से शोर शराबे की आवाज आई ऑपरेशन के दौरान। 1 और 2 मई की दरमियानी रात को करीब 1:15 बजे अमेरिकी सेना का एक हेलीकॉप्टर लादेन के ठिकाने के पास नेस्तनाबूद हो चुका था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी सेना के सील कमांडोज हेलीकॉप्टर से जमीन पर लैंड कर चुके थे। वो तेजी से उस इमारत के चारों तरफ फैलने लगे जिसमें छिपा था ओसामा बिन लादेन। सील कमांडोज तेजी से इमारत के चारों तरफ पोजीशन लेने लगे क्योंकि उनका एक ही टारगेट था, लादेन, वो भी जिंदा या मुर्दा। रात के अंधेरे में गोलियों की आवाजें गूंजने लगी और आहिस्ता आहिस्ता सील कमांडोज का लादेन पर शिकंजा कसता चला गया। दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडोज में शुमार और अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये सील कमांडोज जमीन, आसमान और समंदर कहीं भी किसी भी वक्त ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर हैं। लिहाजा लादेन का खात्मा भी तय था। कमरों की जिस 3 मंजिला इमारत में लादेन छिपा था उसमें बहुत कम खिड़कियां थी। इमारत में घुसने के लिए 2 दरवाजे थे। अमेरिकी सील कमांडोज 40 मिनट से भी कम वक्त तक इस कंपाउंड में रहे, लेकिन जब अमेरिकी कमांडोज इमारत की 4 दीवारी में दाखिल हुए तो लादेन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हथियार डालने की बजाय जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई और चंद मिनटों में ही सील कमांडोज ने लादेन का काम तमाम कर दिया। कमांडोज ने ओसामा बिन लादेन के सीधे सिर में गोली मारी और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी मौके पर ही ढेर हो गया। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।